सो भाई मुझे लग ही रहा था कि आप लोग कमेंट में फॉर्चुनर 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 ही लिखोगे, मतलब आप लोगों ने स्पैम कर दिया कमेंट में कि भाई फॉर्चुनर वर्सेस एमजी ग्लोस्टर, फॉर्चुनर वर्सेस एमजी ग्लोस्टर। सो भाई आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के फॉर्चुनर वर्सेस एमजी ग्लोस्टर का मतलब कंपेरिजन वीडियो। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम कंपेयर करेंगे फॉर्चुनर वर्सेज एमजी ग्लोस्टर, जो कि आप लोगों को मैं पूरा कंपेरिजन बताऊंगा। सो गाइज आप देखते रहें वीडियो को लास्ट तक, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जिसके लिए लोग एसयूवीज को लेते हैं वो उनकी ग्राउंड क्लियरेंस। सो हमें फॉर्चुनर मिलती है वो मिलती है 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, और एमजी ग्लोस्टर मिलती है हमें 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। सो हम बात करते हैं इंजन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्चुनर के बारे में, और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एमजी ग्लोस्टर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है उसके प्राइसिंग के बारे में, मतलब उसके फीचर्स के बारे में, सेफ्टी फीचर्स के बारे में, और उसके मतलब इंजन ऑप्शन मिलते हैं कितने और कितने वेरिएंट मिलते हैं। तो गाइस उसका ऊपर आपको यहाँ आई कार्ड बटन मिल रहा होगा, वहाँ से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैंने फुल डिटेल रिव्यू किया उस गाड़ी का। तो हम बात करते हैं फॉर्चुनर के मतलब इंजन के बारे में। फॉर्चुनर में हमें दो इंजन मिलते हैं, जो कि है पहला है वो 2.8 लीटर का डीजल इंजन, और जो सेकंड है वो है 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन। सबसे पहले हम बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में। सो इसमें हमें मिलता है 2.8 लीटर का डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 174 bhp और 420 Nm का टॉर्क इन मैनुअल ट्रांसमिशन। और अगर हम बात करें ऑटोमेटिक में, तो ऑटोमेटिक में ये प्रोड्यूस करता है 174 bhp और 450 Nm ऑफ टॉर्क। सो अब हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन के बारे में। सो गाइस इसमें पेट्रोल इंजन में जो प्रोड्यूस करता है ये करता है 164 bhp प्रोड्यूस करता है और 245 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये डीजल, ये पेट्रोल इंजन। और अगर आपको फॉर्चुनर 4x4 में लेनी है तो आपको सिर्फ डीजल इंजन में ही लेनी है, क्योंकि अगर आप इसको पेट्रोल में लेंगे तो आपको रियल व्हील ड्राइव मिलेगी, 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको इस गाड़ी में। तो हम बात करते हैं एमजी ग्लोस्टर के बारे में, और आपको मैं बता दूं फॉर्चुनर में हमें दोनों ट्रांसमिशन मिलते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल भी। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक मिलता है, 6 स्पीड का मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है उस गाड़ी में। तो हम बात करते हैं एमजी ग्लोस्टर के बारे में। सो एमजी ग्लोस्टर में मिलता है 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 215 bhp और 480 Nm का टॉर्क, जो कि आता है सिर्फ एक 8 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। हमें इस गाड़ी में मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता। सो गाइस अब हम बात करते हैं इन गाड़ी की सेफ्टी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सो अगर हम बात करें भाई सेफ्टी फीचर फॉर्चुनर के बारे में, तो इस गाड़ी में मिलते हैं 7 एयरबैग, मतलब एक नी एयरबैग भी आ जाता है इस गाड़ी में, ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट कंट्रोल और डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल आपको सिर्फ 4x4 वेरिएंट में मिलेगा, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल वो भी हमें सिर्फ 4x4 वेरिएंट में मिलेगा, और इसमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, मतलब हमें इसमें 2x2 का ऑप्शन मिलता है, 4x4 का ऑप्शन मिलता है, आल्सो फिक्स चाइल्ड सीट, फ्रंट सीट, सीट बेल्ट विद पोटेंशियल विद फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद बजर, और इसमें मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर, एंटी थेफ्ट सिस्टम, और इसमें मिलता है स्पीड मतलब स्पीड ऑटो डोर लॉक एंड इमरजेंसी अनलॉक। और अगर हम बात करें एमजी ग्लोस्टर के बारे में, तो एमजी ग्लोस्टर में मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक, मतलब फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, और इसमें मिलता है स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, हाई स्पीड अलर्ट, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद प्रीटेंशन विद लोड लिमिटर, एंटी रोल बार ऑन फ्रंट सस्पेंशन, लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। तो इस गाड़ी में मतलब सेफ्टी फीचर में अगर बात करें तो दोनों गाड़ी मतलब ऑलमोस्ट हमें इक्वल मिल जाते हैं सेफ्टी फीचर। अगर जो फॉर्चुनर में है वो हमें इसमें मिल जाता है, और जो इसमें है वो भी हमें फॉर्चुनर में मिल जाता है। बस ये जो लास्ट के मैंने 2-3 फीचर बताए, जैसे कि लेन कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये आपको नहीं मिलते हैं फॉर्चुनर में। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में, क्योंकि अगर आप इतने पैसे दे रहे हो तो आपको फीचर से भी मतलब होगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्चुनर के बारे में। सो फॉर्चुनर में हमें मिलती है कीलेस एंट्री, 7 इंच की टच स्क्रीन, जो कि सपोर्ट करेगी DVD, AUX, USB, ब्लूटूथ, रेडियो, उसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलेगा। और अगर बात करें उसमें हमें मिलेगा वॉइस कमांड सपोर्ट करते हैं, और 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, उसमें मिलता है क्रूज कंट्रोल, ऑल ऑटो अप ऑटो डाउन पावर विंडोज, उसमें मिलता है क्लाइमेट कंट्रोल AC, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC। हम बात करते हैं एमजी ग्लोस्टर के बारे में। सो भाई एमजी ग्लोस्टर बहुत आगे है फॉर्चुनर से फीचर्स के बारे में, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे। तो उस गाड़ी में मिलता है 12-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 2 memory seat, ड्राइवर सीट मसाज, ड्राइवर सीट वेंटिलेशन, ड्राइवर एंड फ्रंट ड्राइवर सीट हीटिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग, 1-touch पैनारोमिक सनरूफ, हैंड फ्री बूट ओपनिंग फैसिलिटी, 64-color एम्बिएंट लाइटिंग, 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल AC, 12.3 inch की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और इसमें मिलता है हमें 8 inch की TFT स्क्रीन, जो कि हमें स्पीडोमीटर के बीच में मिलेगी। उनका मैं आपको बता दूँ, जो मतलब हैंड फ्री बूट ओपनिंग फैसिलिटी है ये है
कि अगर आप लोग इस गाड़ी के मतलब बूट के नीचे अगर आप प्राइस स्वाइप करेंगे तो आपकी जो बूट है वो अपने आप अनलॉक हो जाएगी 2 सेकंड के लेटर के बाद। सो गाइज ये थे मेरे मतलब जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया, क्योंकि अगर मैं इनको प्राइस को कंपैरिजन करूँगा तो भाई प्राइस का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है वैसे, पर फिर भी मैं साइड में लिख दूंगा कि किस गाड़ी का कितना प्राइस है। सो गाइज अगर मैं आपको बताऊँ अगर आपको दोनों गाड़ी में से कोई सी गाड़ी लेनी है, सो गाइज अगर आपको फीचर से मतलब है तो भाई आपको MG ग्लोस्टर की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको मतलब सेफ्टी से भी मतलब है तो भी आप MG ग्लोस्टर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि भाई सेफ्टी भी MG ग्लोस्टर मिलती है और फीचर्स भी हमें मानता हूँ मैं फॉर्च्यूनर में हमें सेफ्टी फीचर मिलते हैं, बट इसमें फीचर्स नहीं मिलते यार। हम गाड़ी में 35-40 लाख रुपये दे रहे हैं, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार भी नहीं मिल रहा है उसमें, ना ही कोई सीटिंग मसाज, ना हीटिंग सीट, ना वेंटिलेटेड सीट, सीट मसाज का भी कोई सिस्टम नहीं है। तो भाई फॉर्च्यूनर कहीं ना कहीं, हाँ भाई मानता हूँ फॉर्च्यूनर कहीं ना कहीं भाई फीचर्स में लैक करती है गाड़ियों से। तो गाइस ये था मेरा कंपैरिजन, मैंने दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में बता दिया, मतलब आपको प्राइसिंग भी आपको देख ली होगी, लिस्ट पीछे आई होगी, फीचर्स के बारे में बता दिया, मतलब इंजन ऑप्शन के बारे में बता दिया, ट्रांसमिशन ऑप्शन के बारे में बता दिया। तो गाइस बस आज की वीडियो में यही था। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।